और नेपाल क्रिकेट टीम की, जी हाँ, फाइनली पीएम कप खत्म होने के बाद जो है आज स्क्वाड अनाउंस हो चुकी है। 16 मैंस की ये स्क्वाड अनाउंस की गई है, आप कह सकते हैं कोच और मैनेजमेंट की तरफ से। ये 16 प्लेयर्स अब इनके ऊपर पूरी तरह से दारमदार है कि ये नेपाल को सेकंड वर्ल्ड कप में एंट्री दिलाएं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये 16 प्लेयर्स कौन कौन से हैं। पहले पांच के प्लेयर में देख लेते हैं कौन कौन है। बिल्कुल, और सबसे पहले संदीप रामीचाने कप्तान, उसके बाद कुशल भुरतेल, आसिफ शेख, दीपेंद्र सिंह ऐरी और ज्ञानेंद्र मल्ला। बिल्कुल, तो ये पांच प्लेयर्स हैं पहले, जी हाँ, काफी बड़े बड़े नाम इसमें हैं। चलिए देखते हैं अगला पांच का प्लेयर जो है वो कौन सा है इस 16 मैन स्क्वाड। बिल्कुल, शरद वेसोकर, आरिफ शेख, करण केसी, जितेंद्र मुखिया और अविनाश बोहरा। बिल्कुल, तो ये पांच और हैं, तो पांच पांच दस हो चुके हैं। अब लास्ट सिक्स प्लेयर्स और जान लेते हैं कि आखिर बाकी के छह प्लेयर्स कौन से हैं, तो बन जाएगी ये पूरी 16 मेंस की स्क्वाड नेपाल टीम की। बिल्कुल, और फिर साहब आलम, कुशल मल्ला, कमल सिंह ऐरी, विवेक कुमार यादव, प्रदीप ऐरी और लोकेश बाम। बिल्कुल, तो ये वो 16 मेंस की स्क्वाड है नेपाल की। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कैप्टन, जाहिर सी बात है, संदीप लामिछाने कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, और इन 16 पे कहीं ना कहीं नजर रखी है कोच ने, और क्रिकेट बोर्ड ने जो भरोसा जताया है इन 16 पर कि ये नेपाल को दोबारा एंट्री दिलाएंगे T20 वर्ल्ड कप में। देखना होगा ये किस तरह से रहती है। एक छोटा सा सवाल आप सभी के लिए कि क्या लगता है आपको इस स्क्वाड को आप आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देना चाहेंगे। जी हाँ, डेफिनेटली आप सबकी अलग अलग राय होगी, कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर जरूर बताइए। या फिर आपको लगता है कि नहीं ये स्क्वाड बेहतर है, या फिर आपको लगता है किसी और दो को लिया जा सकता था किसी और की जगह पे, आपकी स्क्वाड क्या होगी वो जरूर जरूर बताइएगा। लेकिन आउट ऑफ 10 इस स्क्वाड को आप कितने देना चाहेंगे और कितनी इस स्क्वाड से, जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए और लाइक तो आप कर ही सकते हैं। ये है रही 16 मैन स्क्वाड जो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है।